हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। आपकी कभी नेहा के साथ लड़ाई हो, आपने बिना झिझक बिना शर्माए आधी रात को भी मुझे फोन कर लेना। हाँ, लेकिन एक रिक्वेस्ट है, दिन में मत करना, दिन में मेरे पति मेरे पे शक करते हैं। भाभी शर्म करो, 11 बच्चे हैं तुम्हारे। शर्म की होती तो एक भी ना होता। सच्ची कह रही हूँ, मैंने आपका बहुत सारे शो देखे, आप वो टास्क वाला शो करती हो ना, टास्क करवाती हूँ मिट्टी मुट्टी वाले। हाँ जी। मेरे बच्चों को भी ले लो उसमें। बच्चे बड़े छोटे हैं आपके। हाँ, तो छोटा शो बना लो 2 एपिसोड का। अभी तू वैसे फालतू के टिप्स दे रही हूँ, नेहा को बताना ना, बच्चे संभालने का कोई टिप्स तो? देखो नेहा, बच्चे संभालने बहुत आसान है, लेकिन बच्चों के बाप संभालने बहुत मुश्किल है। देखो मैंने संभाला नहीं, हमारा कितना रहता फैला है। लेकिन मैं आज आपको बताऊंगी कि सीटी पे बच्चे को सुसु कैसे करवाते हैं। ये सबको पता है, कुकर की सीटी पे बच्चों को सुसु कैसे करवाते, ये कह रही थी मैं। दाल भी बन जाती है और बच्चा भी हल्का हो जाता है। मेरे हस्बैंड का कॉल। हाँ जी। नहीं मुझे इतनी पता, मौसम अच्छा हुआ है, बना दूं फिर पकौड़े। भाभी ये क्या बोल रही हो? एक मिनट, तो कभी उनका ही हमेशा मन करेगा, आज मेरा भी मन कर रहा पकौड़े खाने का। सच्ची कह रही हूँ, मौसम बहुत ज्यादा, अर्चना जी आज अच्छा है, बारिश हो रही है हल्की हल्की, फटाफट हम खत्म करो और आप लोग भी जाके पकौड़े बनाओ। अंकल भाई, सोशल मीडिया पे आपके ना वीडियो देखे हमने, हमारी सब टीम ने, वी हैव अ वेरी बिग रिसर्च टीम ऑफ 1 पर्सन। हमने आपके सोशल मीडिया पे वीडियो देखे, 30 सेकंड का शॉर्ट वीडियो होता है, लेकिन उसमें भी कहीं ना कहीं से नेहा की आवाज आ जाती है। तो क्या फ्रीडम ऑफ स्पीच का हक आपको 30 सेकंड के लिए भी नहीं है? नहीं नहीं जी, देखो जब मेरी मदर का भी फोन आता है ना, हाँ जी, तो आज पीछे से इनकी आ रही होती है, तो बट द थिंग इज दैट मुझे भी कहीं ना कहीं अच्छा ही लगता है कि अगर पीछे से इनकी आवाज आएगी। मोड़ती बात, मोड़ती नहीं, बिल्कुल नहीं। इनकी आवाज को इस तरफ मुंह करके नेहा बता क्या बोल रहे हैं, कहते मेरे को भी अच्छा लगता है इनकी बीच में आवाज आती है। सामने बोलो खुल के, कई बार पता वैसे आपके जो रिसर्च वाला जो एक इंसान है ना जिसने किया है रिसर्च, उसने वो वाले वीडियो नहीं देखे जिसमें मेरी आवाज नहीं है, उसने वही वाले वीडियो देखे जिसमें मेरी आवाज है। अगर हम वो वीडियो देखते तो हमारा क्वेश्चन ही नहीं बनता ना। पाजी ऐसा होता है, मतलब जैसे शादी के पहले आप वैलेंटाइन पे नेहा को फोन करते होंगे, वो फूल वूल देते हैं सब, हैं बाद में भी देते हैं? नहीं नहीं, अंगद तो एक्चुअली जब शादी हमारी नहीं हुई थी, एंड दिस इज अ ट्रू स्टोरी अबाउट अंगद, बहुत साल पहले की बात है, मैंने आईपैड लिया था और मैंने छोड़ दिया एयरपोर्ट या एयरक्राफ्ट में, पता नहीं कहाँ पे आईपैड छोड़ दिया, एंड आई कॉल्ड हिम अप एंड ही इज लाइक क्या है, बड़ी उदास है, तो मैंने बोला नहीं मेरा आईपैड गुम गया, एंड दैट टाइम ट्रू स्टोरी आई थिंक ही हैड लाइक 60,000 रुपीज इन हिज बैंक एंड ही स्पेंट 50,000 रुपीज बाइंग एन आईपैड फॉर मी। या नहीं, उसके बाद से पाई मैंने ना, जब मुझे रियलाइज हुआ कि ऐसे, और गिफ्ट बड़ी अच्छी तरीके से उन्होंने ले भी लिया, मुझे बड़ा अच्छा लगा, फिर एक और बारी मेरे थे करीब। थोड़ी देर के लिए बता के लाए दुकानदार को, अगर तो ले लिया तो ठीक है, वापस कर देना। नहीं नहीं, पर साथ में मेरे को बैंक स्टेटमेंट की स्टोरी भी बाद में पता चली ना, 3-4 साल बाद, अभी तो उस टाइम थोड़ी ना पता थी। आई वाज वेरी टच्ड, जब मेरी इनसे शादी भी हुई थी तब भी मेरे बैंक अकाउंट में सेविंग 5 लाख रुपए की थी, उसमें इन्होंने मेरे से शादी कर ली थी। वाह, ये आपके लिए भी तालियां। हाँ, ये बहुत बड़ी बात। देखो स्ट्रगल टाइम के ना, बैंक बैलेंस कम होता है, टाइम बड़ा होता है आदमी पास, लेकिन जब आदमी काम करने लगता है फिर बैंक बैलेंस बढ़ जाता है, टाइम कम हो जाता है, थोड़ी चीजें होती हैं एडजस्ट होती हैं। तो जब से ये मेरी लाइफ में आए हैं तब से काफी चीजें, बैंक बैलेंस भी बढ़ रहा है, बैंक बैलेंस भी बढ़ रहा है, और यू नो गॉड विलिंग बेटी भी आ गई, और लक्ष्मी, अब तो दो लक्ष्मियों का लक, यू नो, सो आई फील दैट, और काम भी अच्छा जा रहा है, सो आई फील इनकी दुआएं हैं दोनों की। अरे क्या बात, एक बार जोरदार तालियां अंगद और नेहा के लिए। अंकित पाजी, हाँ जी, नेहा, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग, और बड़ा मजा आया आप लोगों से बातें करके, और आप दोनों बहुत प्यारे लगते हो साथ में, ईश्वर ऐसे आपको खुश रखे, थैंक यू, तंदुरुस्त रखे, हंसते रहे, मुस्कुराते रहे।
अर्चना जी। हां जी। देख रही हैं आप क्या? 10 एपिसोड नए हुए, हमने अपना बैंक खोल लिया, BNB बैंक, बच्चा एंड बच्चा बैंक। लेकिन यहाँ की सबसे सीनियर होने के नाते आपसे एक रिक्वेस्ट है, इस बैंक को आप लूटिएगा नहीं। नमस्कार, BNB बैंक में आप सबका स्वागत है। इसका कार्ड यार पीछे रहे, नेटवर्क रोक रहा है। हेलो। हाँ जी, स्कूटी चोरी हो गई है तो मैकेनिक को फोन करो। अच्छा, चोरी हुई, FIR लिखवानी है। हाँ तो ठीक है, काम करो, FIR लिखवानी है। एक आध कोई बंदा अपने मोहल्ले से ले आना जो लिख पढ़ लेता हो, मेरे को लिखनी नहीं आती। हाँ जी, नहीं इधर आ जाओ, बैंक में यहाँ पे AC चल रहा है। हाँ, वो थाने में गर्मी पड़ी है, FIR लिखते लिखते लीक हो जाती है। हाँ तो इधर आ जाओ आप, ठीक है। ओए, मेरी बात सुन। बोलिए। ये बैंक में ले रहा हूँ आधे घंटे लीज पे, ठीक है? तू गार्ड बन जा, चल। एक मिनट, ऐसे कैसे हम गार्ड बन जाएं यार, और आधे घंटे लीज पे कैसे ले सकते हैं? तू भी तो किसी की एक घंटे की इंटरव्यू में 10 मिनट की एंट्री लेता है लीज पे, तुझे रोका कभी किसी ने? बात मारता है। हाँ, पर 10 मिनट में क्या होता है? 10 मिनट में लाखों बन रहे, सब पता है मेरे को। चैनल के भी तो करोड़ों बन रहे हैं ना। चैनल की बात पब्लिकली करता है। अगली मीटिंग में मेरे को याद दिलाना, मेरे को कटआउट बनवाना मोटा सा, चोटी वाला। नहीं, हम गार्ड बन रहे हैं, जागते रहो, ऐसा गार्ड ठीक रहेगा? कोई सोए? जागते रहो, हट। आप गार्ड हो? हाँ। तो कार्ड बनवा लो। यार, एक तो तुम्हारा पति गार्ड बन गया है और तुम्हें कार्ड बनाने की पड़ी है। कौन सा पति? यहाँ पे सिर्फ बॉस। लेकिन 8 बजे के बाद बॉस ही पति है। ओ, तो मतलब अब ये मेरे पति हैं? ये क्यों पति है? आप ही ने तो कहा कि 8 बजे के बाद बॉस पति है, तो ये बॉस हुआ है ना? ओ हुसनलेस महिला, माना कि मेरा करैक्टर थोड़ा सा गिर जाता है नीचे, लेकिन इतना भी मैं फ्लर्ट नहीं करता। मुंह में तेरे पोहा फंसा हुआ है और आके सरकारी नौकर पे फ्लर्ट कर रही है। कोनी मार के अपनी कोनी तोड़वा लेनी मैंने, तेरा तो कुछ होना नहीं है। चलो काम पे लगो, चलो, चलो। सर, मैं तो कब से काम पे लगी हुई हूँ, कार्ड बनवा लो। बना मेरा कार्ड, कार्ड बनवा लो, कार्ड बनवा लो, कार्ड बनवा लो। जाओ अंदर जाके चाय बना। ठीक है सर, मैं अभी बना के लाती हूँ, लेकिन चाय में आप कितने कार्ड लेंगे? तेरे को मैंने कुछ नहीं कहना, मैंने इसकी पूछ दीजिए देनी है। जा रही हूँ सर। जाओ जाओ जाओ, कार्ड बनवाना है बाद में। हाँ, हाँ। अरे वाह, इधर बैंक खुल गया। हाँ। अब मजा आएगा, आप इधर से ही लूटो और इधर ही जमा करवा लो। आपके हंस रही, आप ही को बोल रही हूँ मैं, क्योंकि हम लोग तो मेहनत का खाते हैं। ओ, चौथे माले तक बनी हुई औरत, कितने पैसे जमा करवाने आई हो? अरे वो तो पैसा लाई है। कितना लाई है? कितना क्या लाई है? देख। Oh my God! लाश बचाओ! नहीं, 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 मैं जिंदा हूँ। जिंदा लाश बचाओ! जिंदा लाश! तुम्हारा कत्ल किसने किया लाश? अरे कत्ल नहीं किया है, देखो देखो रिएक्ट करता है, जिंदा है। एक्चुअली ना, ये मेरे पास मसाज करवाने के लिए आया था। अच्छा। मेरे को बोलता आपके पास कौन सा मसाज है? अच्छा। मैंने बोला लॉकडाउन मसाज। अच्छा। तो आप ही की तरह पूछता, इसमें क्या होता है? मैंने अच्छा। बोला इसमें क्या रहता है, हम लोग कस्टमर को इसमें लॉक करते हैं और इधर लेके आते हैं, तो लेकर आए। अच्छा। बाबू कितना पैसे है तेरे पास? मेरे पास 50,000। हाँ दे दे। अरे लेकिन तू मेरे। हाँ तू भी तो मेरा है ना, कस्टमर है ना तू मेरा। देख, जो तेरा है वो मेरा है और जो मेरा है वो किसी के बाप का नहीं। भाग इधर से हट। अर्चना जी, इसे कहते हैं खून पसीने की कमाई। अच्छा। किसी और की पसीना तो मेरे को बड़ा रोज आता है, अभी भी आ रहा है, पर मेरी इतनी कमाई नहीं है, पता नहीं क्यों। कितने पैसे जमा करवा रही हो फिर? मेरे को ना सिर्फ 5,000 रुपए। पूरा 50 कराओ ना। अरे पैसा मेरा है। जो तेरा है वो मेरा है और जो मेरा है वो मेरे बच्चों का, किसी के बाप का नहीं है। और मैं जो हूँ वो सोनी टीवी का हूँ, और सोनी टीवी के लिए मैं कुछ भी कर सकता है। अच्छा। लेकिन सिर्फ शनिवार और इतवार, मंगलवार को मैं सब टीवी पे भी आ सकता है। अच्छा। तो तुम लोग बैंक के नाम पे बेवकूफ बना रहे हो? नहीं, हम बेवकूफों के नाम पे बैंक बना रहे हैं। मैं अभी हल्ला मचा के बैंक की पोल खोल देगी। मैं पोल से तेरा हल्ला खोल दूंगा। अरे अरे, हो
क्या बात हुई? तेरी मसाज में बड़ा जीवन का सार लिखा रहता है। एक आदमी आता है, अच्छा भला बेचारा इंटरव्यू कर रहा होता है, उसके आगे मेरे को ये मसाज बनाए, मेरे को ये कर, तेरी मसाज कर। उस वक्त तो वो आदमी फंसा होता है, आज वो आदमी खुला हुआ है। तू कर मसाज। ए सब बातें बंद करो, मेरा पैसा जमा करवाओ करंट अकाउंट में। करंट अकाउंट में कर देंगे, लेकिन शॉर्ट सर्किट हो गया, हमारी कोई गारंटी नहीं है। ये क्या बात हुआ यार, शॉर्ट सर्किट कैसे हो सकता है करंट अकाउंट में? आज किसी और ने जोक का पिटारा खोल दिया, इसकी धोती में जेलसी हो गई। मेरे को माँ की याद आ गई, पिताजी ने कहा था माँ के अकाउंट में पैसे डाल देना। हेलो माँ, हाँ तुम्हारे अकाउंट में पिताजी डाल दिए। नहीं नहीं, हेलो पिताजी के अकाउंट में पैसे डाल दिए हैं, पिताजी निकाल लेना। यार पिताजी के अकाउंट में कुछ डाला है, वो कुछ निकाल लेना। हाँ अनपढ़ माँ बाप, पता नहीं इनके घर में इंस्पेक्टर जैसा विद्वान आदमी कैसे पैदा हो गया, हद होती है। अरे क्या बोल रहे, अरे मेरे अकाउंट में पैसा जमा करवाने का था। वो तेरे अकाउंट में ही जमा करवाया है? अच्छा हाँ। तो फिर वो रिसीट दो। किस चीज की? अरे वो रिसीट आते है तो फिर कोई मैसेज भेजो, वो मैसेज आता है ना पैसे का, वॉइस नोट आ रहा है बैंक की तरफ से। हाँ। तुम्हारे आ गए। मेरे क्या आ गए? जो तूने डाला था वो आ गया, अभी ये ले एक और भेजता हूँ। अरे ये कैसा मैसेज है रे? हाय। एक मिनट, वो आप समझ नहीं पा रहे हैं। वो कह रही है कि वो जो बैंक में पैसा डाला है उसका बैलेंस का जो है वो मैसेज फोन पे आना चाहिए। मतलब फोन का बैलेंस होता है वो अलग आइटम हो गया, लेकिन ये जो बैंक में पैसा डलता है वो बैंक का मैसेज फोन पे आता है वो। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ। मतलब अरे मतलब ये 50,000 रुपया मेरा, मेरे को वापस करो। तुझे फ्री में पैसा चाहिए? इधर लोग मेहनत कर रहे हैं, मर रहे हैं इधर, और तुझे पैसे चाहिए? मेरा पैसा मेरे को अभी चाहिए, वरना मैं सोनी से आपको कंप्लेंट करेगी। हेलो गुड्डू, एक 6 फीट का कटआउट बनवाना है। नहीं नहीं, मैं इधर पोछाती हूँ, पोछा मारेगी मैं इधर ही रहेगी, मैं कैशियर बनेगी, जब पैसा आएगा फिर लेके भागेगी। ओके ओके ओके। हाँ Excuse me, who is the bank manager here? This ATM is not working. This is working, madam. Just enter. Come on, come cross the line. But आप तो inspector हैं ना? मुझे bank manager से काम है। देखिए जरूरी नहीं है कि एक inspector जो है वो inspector ही हो। अब देखिए इधर आइए। जैसे ये औरत है, जरूरी थोड़ी सिर्फ औरत ही है, ये किसी की माँ भी है, किसी की बेटी भी है, किसी की पत्नी है, और जिसकी पत्नी है उसी का पति भी है। तो अगर ये औरत होके इतने काम कर सकती है तो हम पुरुष होके पीछे क्यों रहे? But inspector, वो भी बैंक में? देखो आजकल लोग ना बैंक बड़े लूट रहे हैं, इसलिए उन्होंने मैनेजर की जगह इंस्पेक्टर रखे हुए हैं। So this is the inspector. अच्छा, उस हिसाब से तो सारी बैंक डूब भी रही हैं, तो गोताखोर भी रख लो। हाँ तो रखा है ना हमने पंडुपी। ये उसी के लिए। अरे मैडम ये कमाल का है, ये समुन्दर के अंदर ऐसी फाट मारता है ना, वेल मछली भी ऐसे करके भाग जाती। अच्छा वो वेल थी? हाँ। मुझे लगा आप जॉगिंग कर रहे हो। मैं जा रही हूँ। एक मिनट, मैं जाने का नहीं, एक मिनट रुकिए। हमारे पास अलग अलग टाइप का मसाज है, आपके लिए बैंक मसाज है। उसमें क्या होता है? उसमें क्या होता है जो नहीं होना चाहिए उसमें पूछिए, उसमें क्या होता है? इंस्पेक्टर तुमको अजीब लग रहा था, बैंक में मसाज कौन करता है पहले बताया? सारा दिन ये शो देखती रहती है और यहाँ आके नाटक करती है, उसमें क्या होता है? टाइम पे ऑडिशन दिए होते आज तुम परमानेंट होती। एक मिनट, आप एक कस्टमर से ऐसे बात करेंगे? अच्छा मतलब वैसे करनी है? हाउ मे आई इंप्रेस यू? हाउ कैन आई हेल्प यू होता है? हेल्प करूंगा तो इंप्रेस तो हो ही जाओगी ना, उस हिसाब से पूछ रहा हूँ। और अगर फिर भी मैं इंप्रेस नहीं हुई तो अगले हफ्ते फिर सब टीवी देख लेना, इधर तो हमारे और भी हैं एक्टर। Excuse me, मेरा ये ATM का प्रॉब्लम सॉल्व करो, मुझे कैश निकालना है। पहले एक दो एपिसोड तो करो, आते तुम्हें पैसे निकलवाने हैं। हैं? इधर आओ, आराम से बात करते हैं। इधर आराम से छुप के बात करते हैं, आ जाओ। अरे अरे सर, अरे अरे, सर सर सर
सर मैं लूट गया सर, मैं बर्बाद हो गया सर। उधर जाके बर्बाद हो, उधर जाके, उधर जाके, इधर किसी का आबाद हो रहा है, मैं बर्बाद हो गया। अरे सर आपने तो फोन पे कहा था कि यहाँ पर आ जाओ कंप्लेन लिखवाने के लिए। अच्छा अच्छा वो तुम हो? हाँ सर। मनहूस इसकी रिपोर्ट लिखो, तब तक मैं मैडम को देखता हूँ। एक मिनट, हम कैसे लिखे, हम पुलिस वाले थोड़ी हैं। मैं तेरा बैंक नहीं संभाल रहा। फिट फॉर टैट फिट फॉर फैट, चलो। अरे गेट आउट हो जाओ यार, हमें नहीं आता ये सब, हम नहीं कर सकते। अरे आप लिखो ना इसकी रिपोर्ट, मैं जब तक जाके अकेले में मैनेजर साहब से बात कर लूंगी। वो शादीशुदा है 3 बार। मुझे पैसे की बात करनी है। पैसे मेरे पास भी बहुत है। अरे मुझे मेरे पैसे चाहिए। मैं मेरे दूंगा। सर मुझे मेरी स्कूटी चाहिए जो चोरी हो गई है। दिखा तेरी स्कूटी का नंबर क्या है। सर सर मेरी स्कूटी का नंबर है MH02002। एक मिनट भाई साहब, आपकी स्कूटी में जितने जीरो लगे ना, हाँ? आपकी स्कूटी चोरी नहीं हुई है, फेल हुई है। हाँ, कोई अच्छी सरकारी बस देकर उसे ट्यूशन पे लगवा दो। ये क्या बोल रही हो? हाँ मैं बोल रही है कि इनकी जो स्कूटी में जितने जीरो लगे ना, हाँ, इनकी ये, ये, सुना सुना हमने, सुन लिया, सुना ना, हाँ, समझा ना, हाँ, तो समझा इसको क्या बोली मैं, वापस बता। ये कह रही है कि जितने जीरो लगे हैं तुम्हारी स्कूटी के नंबर में, तो तुम्हारी स्कूटी जो है वो फेल हुई है, वो चोरी नहीं हुई। अरे कैसा आदमी है रे तू, क्या बोल रहा है, स्कूटी कैसे फेल हो सकती है, स्कूटी तो चोरी होगी ना, कैसी बातें करते हैं। अरे यार ये क्या चल रहा है। सर आप मेरी कंप्लेन लिखो ना। तुम रो मत, तुम मत रो। अरे सर, सर ये रो कहां रही है, तो तेरे क्यों आंसू निकल, नहीं रो रही तो उसकी तो स्कूटी चोरी हुई है ना, इसीलिए रो रहा है वो। चोरी तो मेरा दिल भी हुआ है, मैं कहां जाऊं रिपोर्ट लिखाने। बिल्कुल शर्म नहीं आती है ना आशिकी करते हुए। क्यों, मैं आपको राहुल राय नहीं लगता? बिल्कुल भी नहीं। तुम भी बड़ा अनु अग्रवाल लगती हो। सर लेकिन ये आपसे अच्छी लग रही है। तो इससे ले ले स्कूटी, ले ले, ले स्कूटी इससे, ले ले स्कूटी इससे, ले स्कूटी इसको। मैं कहाँ से स्कूटी दे दूँ? अरे लोन ले लीजिए, हम 7% पे दिला देंगे। पर मेरा लोन में कोई इंटरेस्ट ही नहीं है। नहीं नहीं अभी तो बताया इंटरेस्ट है, 7% का इंटरेस्ट है। हे भगवान, यहाँ कोई समझदार है? सॉरी सर, मैं अंदर थी, सॉरी मैं अंदर थी। हाँ और शादी के पहले ये बंदर थी। नहीं जी, शादी के पहले मैं जलंधर थी। तो क्या चल रहा है? मेरा तो सर दुख रहा है यहाँ पर। आपका सर दुख रहा है, कार्ड बनवा लो। ए, ओ, कौन है? हाथ ऊपर करो। ओह माय गॉड, ये तो डाकू लग रहे हैं। वाओ, उन्होंने कोई हिंट भी नहीं दिया, फिर भी आपने पहचान लिया। वाओ। ओ दरोगा, तनिक डरो। मंगल डाकू ने कब्जा किया इस बैंक पर। मंगल डाकू। देखिए आप मंगल डाकू है ना, तो प्लीज मंगलवार को आना, क्योंकि शनिवार को और एतवार को हमारा पर्सनल मंगल डाकू आता है लूटने के लिए। और डाकू जी, विद ड्यू रिस्पेक्ट, हमने नॉर्मली देखा है कि डाकू तो ऐसे घोड़े पे बैठ के आते हैं ना। जी जनाब, आना घोड़े पे ही था, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग वजह से घोड़े ने हमें मना कर दिया। तो इसलिए हमने स्कूटी उठाई रस्ते से और उस पे आ गए। सर 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 सर, वो मेरी स्कूटी चोरी हुई है, इन्होंने किया सर। तो मुझे क्यों बता रहे, पुलिस को बताओ। पुलिस हो? अरे आप खुद पुलिस है सर। अच्छा तो पुलिस स्टेशन फोन करो ना, मैं फिर फोन उठाऊंगा, फिर उस हिसाब से ना मैं फोन लगाती हूं। हेलो 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 इंस्पेक्टर साहब। हेलो इंस्पेक्टर साहब, हमारे बैंक में डाकू आ गए, जल्दी आओ। सॉरी मैं किसी काम से बाहर बैंक आया हुआ हूँ, कल फोन कर लेना। ये क्या बात हुई, मना कर दिया? डाकू मंगल जी, मैं तो ना आपकी टीम में हूँ, ये लोग कब से मेरे पैसे नहीं निकाल रहे हैं, प्लीज आप निकलवा दीजिए, ये मेरा ATM कार्ड है। वो क्या रहा यार, तुम कुछ करती क्यों नहीं? हाँ एक बात कान खोल के सुन लो तुम लोग। कान खोल, बोल रही कान खोल। मेरी लाश पे गुजरने से पहले तुम्हें ये बैंक लूटना होगा। अरे अरे आप उल्टा बोल रही हो। तो सीधा बोल के तू लुढ़क जा, जा। मैं नहीं मरने वाली ये बैंक के चक्कर में। ए! ए! हमें जानते नहीं। वैसे कैसे जानते, पता है हमें तुम बुरी हो, ये डाकू है, सालों से हमें लूट रहे है। हाँ लूट रहे है, जब घी सीधी उंगली से नहीं निकलता तो उंगली टेढ़ी करनी पड़ती है। तुम हमारे घी की तरफ उंगली करके तो देखो, मैंने तुम्हारे सारे कार्ड ना फाड़ दिए तो कहना। मेरे पास कार्ड है ही नहीं। है? तो कार्ड बनवा लो। कार्ड बनवा लो।
क्या बनी हुई है? ये मंगल डाकू, मंगल डाकू। अरे नहीं दीदी, वो तो मैं मजाक कर रही थी। नहीं नहीं नहीं, अब तुम हमारे लिए मंगल डाकू ही हो। हाँ, अरे मंगल डाकू, अब तुम लोग का खून है ना लेमन सोडे की तरह थर से खोल के फर से पी जाएगी ये सपना। शमशेर साहब, मैं बोलती अभी कभी गोली चला दो। गोली नहीं चला सकता मैं। काहे को? है ही नहीं। सुनो, तुम इधर आओ। तू वैसे नहीं अच्छी लगती, ऊपर से मूछें लगा के आ गई। इधर आओ। मैं क्या बोल रहा हूँ, यहाँ पे होने वाली भागम भगाई, तो आज तुम आई हो पहली बार, मेरे साथ भाग चलो। पैसा मेरे पास बहुत है, बहुत ज्यादा। बहुत पैसा है, कार्ड बनवा लो। चलो 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 चलो। For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.